स्वागत है दोस्तों, आज 29 जनवरी 2023 रविवार का दिन, हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली हैं, अलर्ट करने वाली खबरें भी जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है, नए नियम है, बड़ी घोषणाएं की गई है, पूरी जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर जो काम की होने वाली है। 30 और 31 जनवरी को होने वाली बैंकों की हड़ताल टल गई है। हड़ताल के कारण लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने वाले थे, लेकिन यह राहत भरी खबर आ गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने मुंबई में हुई सुलह बैठक में बनी सहमति के बाद 30 और 31 जनवरी को होने वाली 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित कर दिया है। यानी अब 30 और 31 जनवरी को बैंक हड़ताल नहीं होगी। वहीं खुशखबर आ रही है, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है, देश में चावल की कीमतें भी कम हो जाएगी। केंद्र सरकार ने इसको लेकर सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने गेहूं की कीमतों के नियंत्रण के लिए निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यानी देश में गेहूं और आटे की कीमतों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने देश के लोगों को राहत दी है और राज्य सरकार ने 34 रुपए प्रति किलो की दर से FCI से चावल खरीद सकेंगे, इससे चावल की दर सस्ती हो सकेगी। केंद्र ने चावल खरीदने को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की है। वह दोस्तों आगे की जो बड़ी खबर आ रही है वो बेहद ही अलर्ट करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया में एक घातक कैप्सूल गायब होने से हाहाकार मच गया है, बड़ी बीमारी का खतरा और अलर्ट भी जारी हो गया है। और तो और दोस्तों, ये कैप्सूल इतना खतरनाक है कि इसे छूते ही कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है, क्योंकि इस कैप्सूल में रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा हुआ है और इसे लेकर सुरक्षा बल और रिसर्च की टीम गहन तलाशी में जुटी हुई है। छोटा सा सिक्के के आकार का कैप्सूल भला क्या परेशानी फैला सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा सिक्के के आकार का जितना कैप्सूल जो है वो देश के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके में एक छोटे से कैप्सूल के गायब होने के बाद सरकार ने वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। 1400 किलोमीटर के दायरे में यह घातक कैप्सूल ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इसे छूने मात्र से ही गंभीर बीमारी होने का खतरा है। खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर आई है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 23 T20 मुकाबले खेले गए हैं और इसमें से 10 भारत ने जीते हैं, जबकि 10 मैचों में कीवी टीम ने जीत हासिल की है, 3 मैच टाई रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा जो मुकाबला है वो आज रविवार को लखनऊ में खेला जाएगा और भारत के लिए यह करो या मरो का मुकाबला होगा। यानी इस मैच को गवाने के बाद अब टीम इंडिया T20 सीरीज को भी गवा सकती है। पहले T20 में न्यूजीलैंड ने 21 रन से भारत को हराया था। चीन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, कोविड प्रतिबंध हटने के बाद तेजी से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। मीडिया ने शनिवार को सप्ताह भर चलने वाले चंद्र नववर्ष की छुट्टी के दौरान चीन के अंदर यात्रा करने वाले लोगों की एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल 74% ज्यादा लोगों ने यात्रा की है, क्योंकि सरकार की ओर से कोविड-19 प्रतिबंधों को चाइना में खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिनों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 2000 फैसले अपलोड कर दिए हैं। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसलों को हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी वेबसाइट पर जारी करने लगा है। गणतंत्र दिवस से इस पहल की शुरुआत हुई थी और शनिवार शाम तक 2000 फैसले वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। अभी सिर्फ 10 भाषाओं में इन फैसलों को अपलोड किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा और ऐसा बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है और यह हर साल आम लोगों के लिए भी खुलता है और इस साल भी 31 जनवरी से खुलेगा और लोग यहां पर 12 बजे से रात 9 बजे तक घूमने के लिए आ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है। यानी यहां पर ब्रिटिश और मुगल दोनों के उद्यानों की झलक मिलती है। चीन से 2025 में हो सकता है भयानक युद्ध, अमेरिकी वायुसेना जनरल के बयान से दुनिया दंग रह गई है। अमेरिकी वायुसेना में शीर्ष जनरल ने चीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने ताइवान पर संघर्ष की आशंका के बारे में चेतावनी जारी की है और उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच 2025 में युद्ध होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ी काम की खबर आ रही है गूगल क्रोम को लेकर। गूगल क्रोम में अब आप फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर पाएंगे, फिंगरप्रिंट लॉक इस्तेमाल कर पाएंगे। नया अपडेट जारी हो गया है। गूगल ने अपने क्रोम ब्राउजर के लिए एक नया सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है और गूगल क्रोम में अब फिंगरप्रिंट लॉक का फीचर आ गया है, जो कि एक प्राइवेट मोड है और ये फीचर सिर्फ एंड्रॉइड फोन और टेबलेट यूजर के लिए उपलब्ध है। चार धाम यात्रा 2023 से जुड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने को लेकर खबर है। यानी चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई है और चार धामों के कपाट खुलने की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को, जबकि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। इस संबंध में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जानकारी दी है। इसके अलावा सरकार ने यात्रा को लेकर वेबसाइट को भी अपडेट कर दिया है। यूपी रोजगार मेला से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में रोजगार मेला लगेगा। आजमगढ़ जिले से इसकी शुरुआत होगी। CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद इस तरह के आयोजन अब किए जाएंगे। 3 फरवरी को दीदारगंज विधानसभा में पहला रोजगार मेला
मेले का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश बजट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नया बजट होगा। मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए बड़ी आफत की खबर आ रही है। लहसुन के बाद अब इस फसल ने भी किसान भाइयों को परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश में लहसुन के बाद अब टमाटर ने भी किसानों को रुलाना शुरू कर दिया है। हालत यह है कि मंडी में उचित मूल्य नहीं मिलने से परेशान किसान भाई टमाटर को मंडी में यूं ही फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। दरअसल छिंदवाड़ा में टमाटर की कीमत किसानों को कई बार 1 रुपया उससे भी कम मिल रही है। यानी मेहनत करने के बावजूद भी मुनाफा तो छोड़िए, किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। किसान भाई कितनी बड़ी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब उन्हें इस तरह का रिजल्ट मिलता तो वाकई में दिल तो दुखने वाली बहुत ही बड़ी बात है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाना और भी सुरक्षित होगा। सरकार जल्द ही बदलाव करने जा रही है। जो लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाएंगे उनके लिए सरकार एक नई सुविधा पेश करेगी। अगर आपको सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ कोई भी शिकायत करनी होगी तो इसके लिए एक नई सुविधा आने वाली है। वह दोस्तों नेपाल की शालिग्राम शिला से बनेगी राम सीता की मूर्ति। नदी से निकालकर अयोध्या लाई जा रही है। 40 टन वजन की 2 शिलाएं। दावा किया जा रहा है कि यह 6 करोड़ साल पुरानी है। नेपाल से 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई जा रही है और इनसे श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। चांद के हिस्सों पर कब्जा कर सकता है चीन। नासा ने इस तरह का दावा किया है। स्पेस प्रोग्राम की आड़ में अपनी सैन्य ताकत को ड्रैगन बढ़ा रहा है। बड़ी खबर है, बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में बड़े आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं। आज रविवार 29 जनवरी को मध्य प्रदेश के गुना में विशाल रैली का आयोजन भी किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में हजारों समर्थक सड़क पर उतरेंगे और इस रैली में नेता, छात्र, समाज सेवी, सांस्कृतिक संगठन, व्यापारी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। हर महीने 1,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब लाडली बहना योजना बनाएंगे। नर्मदा जयंती पर बड़ा ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना आएगी जिसमें प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके कुछ नियम और शर्तें भी होंगे लेकिन माताओं और बहनों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट के पावन स्थल पर बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहना योजना शुरू होगी जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग की सभी जाति, पंथ और वर्ग की मेरी बहनों को 1,000 रुपए यानी हर महीने और ऐसे में साल के 12,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीएम ने उज्जैन के महाकाल लोक की तरह नर्मदापुरम में नर्मदा कॉरिडोर बनाए जाने की भी घोषणा की है। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आ रही है। खिलाड़ियों के लिए खुशखबर है, सरकारी सेवाओं में 4% आरक्षण मिलेगा। महिला एवं बाल विकास तथा खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि धामी सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर बेहद गंभीर है। खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में 4% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को 30% आरक्षण का कानून बनाकर धामी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ट्विटर लाया सस्पेंड हुए यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अब कर सकेंगे खाते की बहाली। ट्विटर पर कई यूजर्स के अकाउंट किसी न किसी कारण से सस्पेंड हो जाते हैं जिस कारण यूजर काफी परेशान रहते हैं, लेकिन अब इन्हीं सब यूजर्स के लिए ट्विटर एक गुड न्यूज लेकर आया। सस्पेंड हुए यूजर्स के लिए ट्विटर ने नई घोषणा की है और ऐलान किया कि उसके निलंबित यूजर्स अब 1 फरवरी से ही अपने खाते की बहाली के लिए अपील कर सकेंगे। गुड न्यूज आ रही है, अब उत्तराखंड में भी ले पाएंगे बीएच सीरीज। अच्छी खबर यह है कि अब उत्तराखंड शासन ने बीएच सीरीज के वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए परिवहन विभाग को अनुमति दे दी है। अभी तक उत्तराखंड में बीएच सीरीज के वाहनों के नंबर नहीं जारी होते थे। दिल्ली वेदर से जुड़ी खबर है, दिल्ली में ठंडी हवाओं से राहत मिल सकती है, बारिश की संभावनाएं भी है। आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में लगातार मौसम आंख मिचौनी खेल रहा है, कभी बारिश कभी सर्दी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी है। 168 सड़कें अभी भी ठप चल रही हैं। इस तरह के अपडेट्स हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में भी मौसम फिर से बिगड़ने के आसार बन रहे हैं। वहीं राजस्थान में बारिश और ओले का अलर्ट भी चल रहा है। लगातार कई जिलों में टेम्परेचर माइनस में है। राजस्थान में शनिवार को लगातार 3रे दिन तापमान माइनस में दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर, जोबनेर, जयपुर और चुरू में न्यूनतम तापमान -1 रहा है। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने बताया कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में बारिश होने का और ओले गिरने का अनुमान है और इस सिस्टम का असर राज्य में सबसे ज्यादा 29 जनवरी को रहेगा जब आधे से ज्यादा राजस्थान के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कई कई ओले भी गिर सकते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को भी इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और इसके अलावा जयपुर संभाग में दौसा, सीकर, अलवर, जयपुर और झुंझुनू के जिलों में 30 जनवरी को भी बरसात देखने को मिल सकती है। लगभग 3 दिनों तक कई राज्यों में आफत की बारिश होने का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से लगातार बर्फबारी के साथ साथ बारिश हो रही है। वहीं खबर है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है। चीता को लेकर खबर है, भारत में अब हर साल आएंगे 12 चीते। इस देश से एक बड़ा समझौता हुआ है, यानी भारत में चीतों की तादाद और बढ़ने वाली है। अब हर साल भारत में 12 चीते आएंगे। भारत ने फरवरी में अफ्रीकी देश से 12 चीता लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौता किया है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बड़ी घोषणा की है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही ई स्कूटर सेवा
शुरू करेगी। ये स्कूटर स्वचालित होंगे और एक बार चार्ज करने पर 60 किलोमीटर तक चलेंगे। इस परियोजना की शुरुआत में द्वारका से होगी। मंगलुरु से दिल्ली का सफर भी आसान हो गया। इंडिगो ने फ्लाइट की शुरुआत कर दी है। कर्नाटक के मंगलुरु से देश की राजधानी नई दिल्ली का सफर आसान होगा। ये फ्लाइट हर रोज नई दिल्ली से दोपहर 2:55 पर रवाना होगी। वहीं मंगलुरु से दिल्ली के लिए शाम 6:35 पर फ्लाइट रवाना होगी। उत्तर प्रदेश में शराब महंगी होगी। आबकारी लाइसेंस फीस में इजाफा हो गया। 45,000 करोड़ राजस्व जुटाएगी सरकार। दरअसल आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। भारतीय किसान यूनियन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। धरने में राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है और टिकैत ने कहा कि ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं लगने देंगे। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। पशुपालन विभाग की घोषणा के मुताबिक मध्य प्रदेश की मूल नस्ल और भारत की उन्नत नस्लों की गायों की प्रतियोगिताएं होगी और ये प्रतियोगिताएं 1 से लेकर 15 फरवरी तक आयोजित होगी और इसमें 201 जिला स्तरीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ईपीएफओ ने पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में एक नई अधिसूचना जारी की है और कहा गया कि पेंशन भोगी अब जीवन प्रमाण पत्र कभी भी जमा कर सकते हैं। ये जमा करने की तिथि से 1 साल के लिए मान्य होगा। इससे पहले ये नियम होते थे कि पेंशन भोगियों को हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता था, लेकिन ईपीएफओ ने ट्वीट में यह जानकारी एक बार फिर से दी है। पेंशन भोक्ता अब किसी भी समय अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो कि जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए वैध होगा। साथ ही त्रिपुरा चुनाव से जुड़ी खबर है। बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। दरअसल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। संत रविदास के जीवन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए वाराणसी में एक भव्य म्यूजियम बनेगा। खूंखार तेंदुए ने इस गांव में 18 बकरियों को शिकार बनाया है। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक तेंदुए ने 18 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। गांव वाले भी बेहद डरे हुए हैं। वन विभाग ने भी तेंदुए को लेकर चेतावनी जारी की और ग्रामीणों को रात को अकेले बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जोशीमठ से जुड़ी खबर है। बाईपास निर्माण की संभावनाओं को 3 संस्थाओं की एक नई कमेटी गठित। 1 सप्ताह में रिपोर्ट आ जाएगी। वह आपको बता दें, आज रविवार को दिल्ली में विजय चौक पर होने वाले बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इस दौरान लाइट शो का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई दिया। रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति के अलावा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना के तीनों अंग और राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी पर 29 धुनों को बजाया जाएगा। इग्नू ने एनवायरमेंटल स्टडीज में MA प्रोग्राम लॉन्च किया है। वहीं UPSRTC ने अच्छी खबर दी है। अब रोडवेज में 65 साल तक संविदा नौकरी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर तैनात होने वाले अधिकारी और कर्मचारी नहीं बल्कि अब संविदा चालक और परिचालक भी 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे। अभी तक संविदा चालक परिचालक 60 साल तक ही नौकरी कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है नेपाल को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी PM रवि लामिछाने इनकी नागरिकता को अवैध करार दिया है और पद से बर्खास्त हो गए। यानी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता और पासपोर्ट मामले में दोषी पाए जाने के बाद रवि लामिछाने को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यालय से बर्खास्त कर दिया है। वह दोस्तों अपडेट खबर और अलर्ट करने वाली खबर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कम उम्र में विवाह और मातृत्व को रोकने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और चेतावनी दी है कि अगले 5-6 महीनों में हजारों पतियों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है, भले ही वह कानूनी रूप से विवाहित पति क्यों न हो। असम के मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि महिला की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है और छोटी लड़कियों से शादी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर 75 लाख रुपए की ठगी कर ली। 15 जिलों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ऑफिस बंद करके फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है, ढूंढ रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गृह मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का मामला सामने आया। यहां पर ठगों ने अपना कार्यालय बनाया और आसपास के जिलों में अपना रैकेट फैला दिया। लोगों को अपने झांसे में लेकर करीब 75 लाख रुपए की ठगी कर फरार हो गए। फिलहाल जांच जारी है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अपडेट आ रहे हैं। खुशी से झूम उठेंगे सरकारी कर्मचारी। बजट में 8वें वेतन आयोग लाने पर घोषणा हो सकती है। यानी बजट 2023 एक्सपेक्टेशंस है। वास्तविक जानकारियां तो बजट घोषित होने के बाद ही मिलेगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें जिस तरह से चल रही हैं उसमें यही बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बजट से सरकारी कर्मचारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लाने की मांग कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी बम्पर इजाफा हो जाएगा अगर बजट में ये 3 बड़े ऐलान हो जाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी, बकाया DA का भुगतान और फिटमेंट फैक्टर में इजाफा शामिल है और कर्मचारियों को ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकार इन तीनों चीजों को आने वाले बजट में शामिल कर सकती है, ऐसी उम्मीदें हैं। साथ ही खबर आ रही है शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी मिलने में 2.5 से अधिक घंटे का वक्त लग गया। एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 2000 शनिवार सुबह 10
10 से 10:30 बजे के बीच ग्वालियर के पास आपस में टकराकर क्रैश हो गए। सुखोई पर 2 और मिराज पर 1 पायलट सवार थे। हादसे में सुखोई के दोनों पायलट इजेक्ट होने में कामयाब रहे, लेकिन मिराज के पायलट विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी की मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक और दर्दनाक खबर सामने आ रही है झारखंड के धनबाद को लेकर। झारखंड के धनबाद में शुक्रवार रात 1 बजे एक प्राइवेट अस्पताल में आग लग गई और इसमें डॉक्टर दंपति समेत 6 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। हादसे के वक्त ये सभी लोग सो रहे थे। अस्पताल चलता था और ऊपर डॉक्टर दंपति रहते थे, लेकिन आग लग गई और डॉक्टर दंपति तो जले ही, साथ में और भी उनके 4 अन्य मेंबर भी जल गए और इन सभी की जाने चली गई है। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं दैनिक मौसम पूर्वानुमान वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 29 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। मौसम का अपडेट, किन जिलों में बारिश का अलर्ट है, कहां पर बर्फबारी हिमपात हो सकता है। तो शुरुआत में आपको बताते हैं अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई इलाके, उत्तर और पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश और गरज के साथ बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी हिमालय हिस्सों में ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।